हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड की वॉइस टाइपिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप में कीबोर्ड को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने अपना एक कीबोर्ड ओपन कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, एक माइक होना चाहिए कीबोर्ड में, यहाँ पर माइक नहीं है, जिसकी वजह से वॉइस टाइपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको ना करना क्या है, कीबोर्ड में आपको इस सेटिंग का आइकन मिलता है, सेटिंग के इस आइकन पर टैप करना है तो आपका ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है वॉइस टाइपिंग का, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। अब ये पेज आएगा, इसमें आपको वॉइस टाइपिंग के सामने जो ये बटन है, इस बटन को चालू करना है। टैप कीजिए, ये बटन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम दोबारा से अपने कीबोर्ड में आएंगे तो ये माइक यहाँ पे दिखाई देने लगता है। अब आप यहाँ पर जो है माइक का इस्तेमाल करके यहाँ पे वॉइस टाइपिंग को आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे टाइप होता जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने कीबोर्ड की वॉइस टाइपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।